हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ कर्म&CO एजुकेशन चैनल में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 19th ऑफ दिसंबर से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द 2019 बेस्ट T20 प्लेयर अवार्ड बाय द ICC। ठीक है, तो ICC के द्वारा बेस्ट T20 प्लेयर अवार्ड किसे मिला है वो हमें बताना है। जो ऑप्शन गिवन वो है जेस जोहेंसन, एलेक्स ब्लैकवेल, अलेशा हेली या ऑप्शन डी डेलिशा किम नाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर जिसका नाम है अलेशा हेली। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर अलेशा हेली को बेस्ट T20 प्लेयर का अवार्ड मिला है। ये टॉप 20 क्रिकेटर वॉन द टाइटल फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट T20 प्लेयर का अवार्ड मिला है बाय द ICC वो है ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर अलेशा हेली। हु वॉन द वुमेन्स बेस्ट क्रिकेटर एंड ODI प्लेयर ऑफ द 2019 अवार्ड बाय ICC। तो हमें बताना है कि किस व्यक्ति को यहाँ पर वुमेन का बेस्ट क्रिकेटर एंड ODI प्लेयर ऑफ द 2019 अवार्ड मिला है ICC के द्वारा। जो ऑप्शन पिन वो है अलाइस विलानी, रेचल हेनेस, मेघान स्कर्ट या एलाइस पेरी। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एलाइस पेरी वॉज नेम्ड एज वुमेन्स बेस्ट क्रिकेटर, वुमेन की कैटेगरी में बेस्ट क्रिकेटर एंड ODI प्लेयर ऑफ द 2019 अवार्ड से नवाजा गया इन्हें। एंड हियर दैट अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल। ठीक है, तो ICC के द्वारा, ICC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड घोषित किया गया है। कौन सा अवार्ड? वुमेन्स बेस्ट क्रिकेटर एंड ODI प्लेयर ऑफ द 2019 जिसको ये अवार्ड मिला है उसका नाम है एलाइस पेरी। देखिए मैं यहाँ पर इमेज भी प्रोवाइड की हूँ एलाइस पेरी का। विच कंट्री इज टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। हमें बताना है कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है फर्स्ट एवर ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम। ठीक है, पहली बार ऐसा कोई फोरम देखने को मिल रहा है ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, तो हमें कंट्री का नाम बताना है जो कंट्री इसे होस्ट करने जा रही है। जो ऑप्शन गिवन वो है स्टॉकहोम स्वीडन, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वेना ऑस्ट्रिया या सिडनी ऑस्ट्रिया। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेनेवा इज टू होल्ड द फर्स्ट एवर ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम फॉर 16 to 18 दिसंबर। ठीक है, 16 से 18 दिसंबर के बीच में जेनेवा होस्ट करेगी ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम को, और ये अनाउंस किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है ये कि जेनेवा यहाँ पर ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम को 16 से 18 दिसंबर तक होस्ट करेगी। हु वॉन द इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। हमें बताना है कि अभी रिसेंटली इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किसे नवाजा गया है। जो ऑप्शन गिवन है वो है ऋषि कुमार शुक्ला, बीपी राजू, रंजीत सिन्हा या राकेश अस्थाना। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। CBI के ऑफिसर जिसका नाम है बीपी राजू, उन्होंने इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है बाय द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, नेशकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा बीपी राजू को इंडिया का साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए यहाँ पर अवार्ड लेते हुए, रिसीव करते हुए यहाँ पर CBI के बीपी राजू। ठीक है, When was the United World Wrestling established? हमें बताना है कि United World Wrestling कब बना। जो ऑप्शन गिवन वो है 1912, 1924, 1958 या 1964। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 1912 में बनाया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ एमेच्योर रेसलिंग। ठीक है, इट ओवरसीज रेसलिंग एट द ओलंपिक्स। ओवर ओलंपिक्स के ओलंपिक गेम्स में जो रेसलिंग होता है उनको देखने का जिम्मेदारी होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को। ठीक है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग होस्ट करती है इवेंट वर्ल्ड रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, ऑल ओवर कंट्री में जो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है उसको होस्ट करती है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। The center has decided to extend the mission period of the flagship initiative Atal Vision for Rejuvenation and Urban Transformation by Dash. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ने फैसला लिया है कि वो जो
जो पीरियड था अमृत का उसे इंक्रीज करने जा रही है, ठीक है, उसके पीरियड को इंक्रीज करने जा रही है डैश, हमें ईयर बताना है कितने साल तक इंक्रीज करने जा रहे हैं। जो ऑप्शन गिवन है वो है 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 2 ईयर्स, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो एक्सटेंड करेगी मिशन को ऑफ द फ्लेक्सिव इनिशिएटिव जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाय द 2 मोर ईयर्स, ठीक है, 2 साल और ज्यादा इसे इंक्रीज करने की बात कर रही है यहाँ पर। साथ ही साथ द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मीट द सेट टारगेट फॉर द अर्बन रेन्यूएबल इन 500 सिटीज, ठीक है, तो यहाँ सेंटर ने 2 और साल बढ़ाने की बात की है। When was the International Astronomical Union established? हमें बताना है कि International Astronomical Union कब बना? जो ऑप्शन के ऑप्शन के मैंने वो है 1919, 1932, 1963 या 1945. So your option is correct. International Astronomical Union 28 जुलाई 1919 में बनाया गया, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा। International Astronomical Union 28 जुलाई 1919 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। चलिए अब पैर फ्रांस की बात हुई तो फ्रांस का मैप देखना तो बनता है। देखिए दिस इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्जियम के साथ शेयर करता है, सेकंड है जर्मनी और थर्ड है इटली के साथ और फोर्थ आपको स्विट्जरलैंड के साथ है। तो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर है, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। हु इज नेम्ड एज द जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो हमें बताना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा अनाउंस किया गया है जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर, तो उनका नाम क्या है? जो ऑप्शन गिवन वो है बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, दीपक पुनिया या योगेश्वर दत्त, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडियन रेसलर जिसका नाम है दीपक पुनिया, उनका नाम जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर चुना गया है बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। ही वॉज ट्रांसलेटेड फॉर जूनियर टू द सीनियर सर्किट। हेयर पुनिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ जूनियर वर्ल्ड टाइटल इन 18 ईयर्स, ठीक है, तो 18 साल में ये पहले ऐसे इंडियन रेसलर बने हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है, फर्स्ट इंडियन रेसलर है, ठीक है, ये 18 साल में। और दीपक पुनिया यहाँ पर अपना नाम कर चुके हैं जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, याद रखिए। अ वाइड येलो स्टार इन सेक्सटेंस कॉन्स्टलेशन इज टू नेम्ड आफ्टर डैश 20th century इंडियन वुमेन फिजिक्स, ठीक है, तो एक वाइट येलो स्टार जो सेक्सटेंस कॉन्स्टलेशन में है उनका नाम 20th century इंडियन वुमेन फिजिक्स के ऊपर रखा गया है, उस कॉन्स्टलेशन का, उस स्टार का नाम। तो हमें बताना है कि वो फिजिक्स कौन थी, जो एयर ऑप्शन के बिना वो है राजेश्वरी चटर्जी, भीबा चौधरी, अर्चना भट्टाचार्य, इंद्रानी घोष, सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यहाँ पर नेम एक्सेप्ट किया है अ वाइट ईयर येलो स्टार इन सेक्सटन कॉन्स्टलेशन एंड इट्स जुपिटर लाइक एक्स्ट्रो प्लैनेट्स। द स्टार विल बी नेम्ड एज भीबा एंड द ऑर्बिटिंग एक्स्ट्रोप्लैनेट विल बी नेम्ड एज संतम आशा, संस्कृत टर्म फॉर क्लाउडेड। भीबा चौधरी एक 20th century की इंडियन वुमेन फिजिक्स थे जिनके नाम पर एक वाइट येलो स्टार जो सेक्सटन कॉन्स्टलेशन में है उसके उसका नाम रखा गया है भीबा चौधरी के नाम। विच स्टेट इज टू रिसीव नेशनल अवार्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग PMGSY अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी। तो हमें बताना है कि किस स्टेट को यहाँ पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने PMGSY को इम्प्लीमेंट किया है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में। हियर ऑप्शन गिवन जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर यहाँ सेलेक्टेड किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर द नेशनल अवार्ड इन द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो इसके तहत जम्मू कश्मीर को नवाजा गया नेशनल अवार्ड से। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड इन अ सेरेमनी ऑन 19th of December 2019 एट द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स पूषा, न्यू दिल्ली में, ठीक है, अवार्ड नवाजा जाएगा। अब जम्मू कश्मीर का यहाँ मेंशन हुआ तो जम्मू कश्मीर को मैप में देखना बनता है। देखिए दिस वन इज द न्यू मैप जहाँ पर आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गया अभी ये दोनों स्टेट, ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पाकिस्तान के साथ शेयर है एक स्टेट बॉर्डर लद्दाख के साथ है, नीचे की तरफ आए तो हिमाचल प्रदेश है, छोटा सा एक बॉर्डर पंजाब के साथ भी जम्मू एंड कश्मीर का शेयर है। हु वॉन द 2019 तानसेन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? फिर ऑप्शन गिवन पंडित विद्याधर व्यास, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित जसराज या पंडित भीमसेन जोशी, सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट।
वोकलिस्ट पंडित विद्याधर व्यास को नेशनल तानसेन अवार्ड 2019 से नवाजा किया ड्यूरिंग द तानसेन फेस्टिवल. ये द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ठीक है, ये अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करती है और साथ ही साथ ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है द आउटस्टैंडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. इट कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज. ठीक है, 2 लाख रुपीज एक अवार्ड के तौर पर दिया जाता है जो भी इस अवार्ड को जीतते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अवार्ड जीतने वाले बन गए हैं पंडित विद्याधर व्यास. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन से मिनिस्ट्री से निकला है, तो हमें उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है. जो ऑप्शन गिवन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सो ये ऑप्शन चूज करें. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 29 जनवरी 2006 में बनाया गया और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से निकाला गया है. ये मिनिस्ट्री जो है ये किसके अंदर है, मुख्तार अब्बास नकवी के अंदर. याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है हमारे, मुख्तार अब्बास नकवी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक पार्ट है. वेयर वॉज द सूर्य किरण 14 हिल्ड. ठीक है, हमें बताना है सूर्य किरण 14 कहाँ भी रिसेंटली हिल्ड हुआ था. जो ऑप्शन गिवन वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल, ओले नेपाल, जोधपुर राजस्थान या सली झांदी नेपाल. सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है. याद रखिएगा, इंडिया नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है और ये अभी रिसेंटली हिल्ड हुआ था सली झांदी रुपेन देही डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल. 3 से 16 दिसंबर के बीच में से एक्सरसाइज को किया गया और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विच वॉज कंडक्टेड टू इन्हांस द लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन एंड फॉस्टर द बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस. ठीक है, टू नेशंस. तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो हमारा वहाँ करेक्ट आंसर होगा इंडिया नेपाल के बीच में. वेयर इज द तानसेन समारोह फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. हमें बताने कि तानसेन समारोह फेस्टिवल अभी रिसेंटली कहाँ मनाया गया. हियर ऑप्शन गिवन अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद या ग्वालियर. सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट. म्यूजिक फेस्टिवल तानसेन समारोह ग्वालियर में स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में 17 दिसंबर और ये फेस्टिवल 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा. ये एक पॉपुलर क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है विच इज बिगन विद द ट्रेडिशनल स्टार्ट विद द रेसिटेशन ऑफ हरिकथा एंड मिलाप. ठीक है, 2019 is the 95th year of the festival. It is one of the oldest and esteemed classical music festival. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा oldest and esteemed classical music festival है जिसे अभी ग्वालियर मध्य प्रदेश में start किया गया. क्या नाम इस festival का, तानसेन समारोह festival. Government has set up the National Commission for Minorities under. हमें बताना है कि government ने National Commission for Minorities अभी set किया है किस act के अंदर. जो option given वो है National Commission for Minorities Act 1985, National Commission for Minority Act 1992, National Commission for Minority Act 1996 या National Commission for Minorities Act 2000. So your option please correct. Government ने National Commission for Minorities Act start किया है under the National Commission for Minorities Act 1992. ठीक है, 6 religious community for India namely Muslim, Christians, Buddhists, Parsis and Jains have notified as minority communities in India. याद रखिएगा, 6 religious community को minority community माना जाता है. ठीक है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, फारसी और जैन भी हैं. तो इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन खत्म होता है. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूले. साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.